अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का हमारा मौजू आजमाए शरत है। पेज नंबर 65। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें अपने सामने रखें। तो आज का हमारा मौजू है आजमाए शरत है। तो चलो शुरू करते हैं। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की है कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त ना बनाना। कहते हैं कि एक बूढ़े ने मरते वक्त क्या, अपने उसका एक ही बेटा था, इकलौता हो गया एक बेटा। तो उससे उसने क्या किया था, उसने उससे उसको नसीहत की थी कि बेटा, बगैर आजमाए आप किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना। किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजर्बा हो। और उसने ये भी कहा था बूढ़े ने कि कोई भी ऐसा मरहला आ जाए तो उसमें अपने अपने अजीज़ों प्यारों और रिश्तेदारों को भी आप आजमाना परखना, इससे आपको क्या हो जाएगा, तजर्बा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीब दोस्त की आजमाइश का तैयार हो गया इरादा कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकमों के बगैर मुखबरी मतलब जासूस का काम करता था। वो इस नौजवान के घर में भी आया जाया करता था और इसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। तो इस ये जो बूढ़ा आदमी जिसने अपने बेटे को नसीहत की थी, इसका दोस्त क्या था, जासूस, मुखबिर जिसे कहते हैं। तो वो इसके घर आम तौर पर आता था और इसकी बीवी को क्या कहकर पुकारता था, भाभी कहकर। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाए ख़रीद कर लाया। और एक रोज़ क्या हुआ, वो नौजवान किसी काम के लिए कहाँ चला गया, शहर में गया। जब वो वापस आया तो कसाई मीट वाले की दुकान पर उसने क्या लाया, सिरी पाए हो गया, सर और पाँव का गोश्त वो उसने ख़रीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। तो रास्ते में उसने क्या सोचा कि हाँ, आप मुझे ये मेरा जो बाप मरहूम बाप हो गया, बाप जिसका मर गया हो, उसने कहा कि आज मुझे उनकी नसीहतों का परखने का आज मौका है, ये तो मैं ये ऐसा करता हूँ। चुनाचे एक थैले में सिरी पाए लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात डल चुकी थी। तो जब वो सिरी पाए जो उसने ख़रीद कर वो कसाई की दुकान से लाया था, तो जब वो लेकर कहाँ पहुंचा, अपने गांव में वापस पहुंचा, तो उस टाइम क्या हो गई थी, आधी रात, बहुत रात डल चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक घड़ा खोदने लगे। तो उसने अपनी बीवी को कहा, एक तो वो रोशनी न जलाए और वो आ जाए सहन में, वो घड़ा खोदने के लिए एकदम से बाहर आ जाए। बीवी को हैरत को खौफ और दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा, मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और इसकी खोपड़ी का इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। तो उसने क्या कहा अपनी बीवी से कि मैं अपने पुराने दुश्मन को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, और उसकी ये जो खोपड़ी है, इस इंतकाम ले रहा हूँ मैं, वो उसको और उसकी खोपड़ी को मैं अपने आंगन में क्या करूँगा, दफन करूँगा। बीवी चुपचाप गड़ा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों में थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। और जो उसने खोपड़ी वो थैले में लाई थी, तो वो उसने क्या किया, उसमें दफन कर दी, और उसकी बीवी चुपचाप उसे देखती रही। इस काम से फारग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद ना आ सकी। जब ये काम उन्होंने मुकम्मल किया तो वापस जाकर वो सो गया गहरी नींद में, मगर उसकी बीवी को डर और खौफ की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उसके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। तो दूसरे रोज़ क्या हुआ, जब वो बाहर अपने काम पर कहीं चला गया और उसका वही दोस्त मुखबिर जो सरकारी जासूस था
वो उनके घर में दाखिल हुआ और दोस्त के बारे में पूछने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नचाकी हो गई होगी, लेकिन ये बात उसे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी सच सच बताएं कि क्या बात है। तो जब वो नौजवान उनके घर में पहुंचा, वो जासूस उसका दोस्त, तो उसने उसकी बीवी को देखा कि वो बहुत ही परेशान हालत में थी, बहुत ही उदास थी और उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थी। तो उसने सोचा उसके दोस्त ने कि मियाँ बीवी में कोई झगड़ा वगैरह हुआ होगा, लेकिन उसने फिर भी ना चाहते हुए भी उसने ये वो बात पूछी कि सच बोलें भाभी क्या बात है, क्या बात है। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है, आप पार्ट सेकंड में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज़।